और वहीं आज राजधानी में बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा। डिपो चौराहे पर हिंदू समाज प्रदर्शन करेगा, कई हिंदू संगठन और आम लोग इसमें शामिल होंगे। तो लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोध के सुर जो हैं वो अब और तीखे और तेज होते जा रहे हैं, और इसी को लेकर आज राजधानी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। डिपो चौराहे पर ये प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें तमाम हिंदू संगठन, हिंदू समाज और आम लोग जुटते हुए इसमें नजर आएंगे। इसको लेकर प्रशासन की ओर से भी जो इंतजाम है वो किए गए हैं, पैनी नजर उनकी भी बनी रहेगी कि कोई अप्रिय घटना इस दौरान ना हो। लेकिन बड़ा प्रदर्शन आज राजधानी में होने वाला है, चलिए इसी को लेकर अपडेट लेंगे। रिजवान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रिजवान, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में ये प्रदर्शन किया जाना है, हिंदू संगठन आम लोग इसमें जुटेंगे, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं प्रदर्शन को लेकर भी, और किस तरह से ये प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है आज भोपाल में? देखिए, पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश है। जिस तरीके से बांग्लादेश में जो है अत्याचार जो है हिंदुओं पर हो रहा है, उसको लेकर काफ़ी आक्रोश लोगों में। ऐसे में राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो एक बड़ा विराट प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, और साफ तौर से डिपो चौराहे पर जो है तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं और तमाम जो लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे और इस बात का विरोध करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इन लोगों पर जो है जितने भी इनके भारत से संबंध हैं, जो भारत से चीज़ें सप्लाई हो रही हैं उनको ख़त्म किया जाए और बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो है जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए। एक बड़ा प्रदर्शन जो है राजधानी भोपाल के डिपो चौराहे पर देखने को आज मिलेगा। साफ तौर से तमाम जो नेता हैं वो इस विराट प्रदर्शन में शामिल होंगे। इस प्रदर्शन का नाम विराट प्रदर्शन रखा गया है और कई दिनों से जो है इसको लेकर मैसेज चलाया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें, तमाम जो पुलिसकर्मी रहेंगे वो इसमें तैनात रहेंगे और किसी तरह की जो है घटना ना हो उसको लेकर जो है ड्रोन कैमरे से और सीसीटीवी कैमरे से जो है पुलिस की तरफ से नज़र रखी जा रही है। पुलिस का कहना है बैरिकेडिंग करेंगे और एक एरिया सीमित किया गया है, वहाँ पर जो है सिर्फ ये प्रदर्शन होगा और तमाम जो नेता हैं वो इस विराट प्रदर्शन में शामिल होंगे हिंदू संगठन के लोगों के साथ। हालांकि हमने देखा था पिछले दिनों एक बड़ा जो प्रदर्शन जो है राजधानी भोपाल में भी देखने को मिला था, पुतला जो है बांग्लादेश के जो नेता हैं उनका जो है पुतला यहां पर जलाया गया था, और आज जो है एक बड़ा प्रदर्शन जो है राजधानी भोपाल के डिपो चौराहे पर है। पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है, करीब 1000 से ज़्यादा बल जो है तैनात किया जाएगा ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। बिल्कुल रिजवान, जिस तरह से आपने बताया, देखिए प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, निगरानी रखी जाएगी और देखना होगा कि किस स्वरूप पे ये जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार इसको लेकर विरोध दर्ज तो कराया जा रहा है और आज राजधानी में इसको लेकर बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज राजधानी में बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जाएगा राजधानी भोपाल में। डिपो चौराहे पर हिंदू समाज एकत्र होंगे और हिंदू संगठन इसके साथ ही कई सारे आम लोग जो हैं वो एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे।